है गाइस, साफ़ी मिक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं फेसबुक अकाउंट को हैकर से महफूज बनाने का तरीका बताता हूँ। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे दोस्तों के फेसबुक अकाउंट्स चोरी हो जाते हैं। अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी कोड नहीं लगाया हुआ है तो आपका फेसबुक अकाउंट भी किसी भी वक्त किसी मोहतरम या मोहतरमा के बुरी नीयत का शिकार होकर चोरी हो सकता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल रात मेरे फेसबुक अकाउंट को चोरी करने का किसी ने दो दफ़ा नापाक और नाकाम कोशिश की है। उस मोहतरम को शायद मेरी अक्लमंदी की इंतहा का अंदाज़ा नहीं था कि मैंने शुरू ही से अपने अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी कोड लगाया हुआ है। इसलिए मेरे अकाउंट को चोरी करने में उस मोहतरम को नाकामी का कड़वा घूंट ही पर इक्तफा करना पड़ा, वरना वो अपनी बुरी नीयत का तगड़ा घोड़ा पूरी क़ुव्वत के साथ दौड़ा चुका था। याद रखिए कि यहाँ पर मैं मोहतरम का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताहम ये नाखुशगवार हरकत आपके साथ कोई मोहतरमा भी कर सकती है और आपको मायूसी की टंडी आहें भरने पर मजबूर करके आपकी मज़े की नींद में कई दिनों तक खलल डाल सकती है। बहर कैफ, इस वक्त मोहतरमा के बजाय किसी मोहतरम ही को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना मौजू समझता हूँ, वरना सीगा मोहतरमा के कुछ मुफ्त के मेहरबान गले भी पड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे हैकर्स के नापाक इरादों से अपना फेसबुक अकाउंट को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी कोड के ज़रिए महफूज बना सकते हैं। अपने फेसबुक पेज के राइट साइड पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें और यहाँ पे सेटिंग एंड सिक्योरिटी को क्लिक करने के बाद सेटिंग का बटन दबाएं और फिर लेफ़्ट साइड पे आके सिक्योरिटी एंड लॉगिन को क्लिक करें तो आप इस विंडो पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे अपने व्यू का बटन दबाना है। व्यू का बटन दबाते ही एक नई विंडो खुल जाती है जिस पर आपने लीव के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आप इस विंडोज़ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, योर पासवर्ड इज़ ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन, लॉग इन अलर्ट्स आर ऑन। अगर ये इस हालत में ना हो तो आपने इनको ऑन और ओके की पोजीशन पे लेके आना है। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद आप इस विंडोज़ पे पहुंच जाती हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे रही हैं, तो अगर आपने अपने पासवर्ड को चेंज करना है तो इस बटन को क्लिक करें और फिर यहाँ पे तीन डिफरेंट ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन में आपका पासवर्ड है, सेकंड ऑप्शन में आपने नया पासवर्ड डालना है और थर्ड ऑप्शन में रीटाइप करना है। फिर आपने सेव का बटन दबाना है। चूँकि मैं पासवर्ड को नहीं चेंज कर रहा हूँ इसीलिए मैं नेक्स्ट का बटन दबा देता हूँ। यहाँ पर आकर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन का ऑप्शन आ जाता है। अगर ये ऑन नहीं है तो आपने मैनेज का बटन दबाना है। यहाँ पर आपसे आपके पासवर्ड के बारे में पूछते हैं, आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है और फिर कंटिन्यू का बटन दबा के आप इस नई विंडो पे पहुँच जाती हैं। इस विंडो पे आपके पास तीन ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई ऑप्शन मुंतखब कर सकते हैं, ताहम मैं आखिरी ऑप्शन का मशवरा देता हूं। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फेसबुक आपसे आपका टेलीफोन नंबर मांगेगा और जब कोई हैकर आपके अकाउंट को चोरी करने की कोशिश करता है तो फेसबुक इस नंबर पर एक सिक्योरिटी कोड भेज देता है। इस सिक्योरिटी कोड के बग़ैर कोई भी बंदा आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। सो कीप the code secure with you and your account is safe. अगर आप इस विंडो पर नेक्स्ट का बटन दबा दें तो आप कंट्रोल योर अलर्ट विंडोज पर पहुंच जाती हैं जिस पर फेसबुक आपसे पूछती हैं कि हम कैसे आपको मज़ीद अलर्ट भेज दें। मैंने यहां पर फेसबुक और ईमेल के ऑप्शंस को ऑन पर रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आप आखिरी विंडो पर पहुँच जाते हैं, यानी यू आर ऑल सेट, और आपको बताते हैं कि आपका पासवर्ड भी ठीक है,
टू फैक्टर नोटिफिकेशन भी ऑन है, लॉग इन अलर्ट भी ऑन है। अगर आप इस विंडो पर रिव्यू अनदर टॉपिक का बटन दबाएं, तो आप अपने फेसबुक पेज पे वापस चले जाते हैं।